नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। दहशत में आकर पीड़ित की बिगड़ी हालत, जिला चिकित्सालय ने किया बीआरटी मेडिकल कॉलेज रिफर। जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पालिका वासी के रहने वाले विष्णु जायसवाल पुत्र कृष्णा जायसवाल अकबर नगर ने अपने भाई समेत 5 लोगों पर जान से मारने की धमकी एवं मकान दुकान जबरिया खाली कराने की शिकायत स्थानीय थाना कोतवाली वासी में तहरीर देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। वही थाना प्रभारी द्वारा तहरीर मिलते ही संबंधित के खिलाफ धारा 147, 148 व 504, 506 में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई में जुट गई है। पेश है सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मेरा नाम विष्णु कुमार जायसवाल उर्फ सोनू है। पिताजी का नाम? स्वर्गीय कृष्णा जायसवाल। कहाँ के रहने वाले? हम बांसी मंगल बाजार में, हमारे घर है बांसी मंगल बाजार अकबर नगर में हमारा घर है और दुकान हमारी आर्य नगर रोडवेज चौराहे से नौगढ़ वाली रोड पे है। क्या मामला है, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ, क्या नाम है, कि ध्रुव चंद जायसवाल जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं, संध्या जायसवाल पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं, महेश चंद उर्फ मोनू जो हमारे भाई हैं, जो बंटवारा करके हम लोग 3 साल पहले अलग हो गए थे, आपस में दुकानदारी खान बंटवारा कर लिए थे, और उनकी पत्नी रीना जायसवाल और उनका एक सहयोगी है शुभम सिंह जो महेश चंद के यहाँ काम करता है। हमारा इनका मामला खाली इतने था कि हमारी दुकान पे जबरदस्ती ये हमारी दुकान और घर को कब्जा करना चाहते थे कि और जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे और रोज धमकी देते थे, क्या नाम है, कि हमको कि दुकान और घर तुम दोनों खाली कर दो अन्यथा तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की हत्या कर दी जाएगी। जिससे मैं रोज़ सदमे में पहुंचता गया। 5 दिनों से लगातार मुझको धमकी मिल रही थी। अंत में ये लोग घटना घटा दिए 17/8/2019 को। इन लोगों ने, क्या नाम है, ये यहाँ बगल में ईटन स्कूल है जहाँ हमारा बच्चा पढ़ता भी था, और मैं अपनी दुकान से होते हुए रोडवेज अपनी दुकान से होते हुए चौराहे से होते हुए ईटन स्कूल की गली से होते हुए मैं आ रहा था। ईटन स्कूल गली से लगभग 50 कदम आगे मैं जब बढ़ा तो इन तीनों लोग खड़े थे, ध्रुव चंद जायसवाल, महेश चंद जायसवाल उर्फ मोनू और शुभम सिंह। शुभम सिंह तुरंत उन तीनों लोगों ने हाथ दिया, मैंने हल्का सा गाड़ी स्पीड कम किया, शुभम सिंह ने मेरे ऊपर तुरंत असलहा निकाला और मेरे कनपट्टी पे रख दिए। इतने में मैं घबरा गया, इतना ज़्यादा घबरा दिया, लेकिन मोटरसाइकिल मेरी स्टार्ट थी, मैंने तुरंत मोटरसाइकिल आगे दबा दिया चिल्लाते हुए और मैं तुरंत भागा अपने घर की तरफ। लेकिन घर पे गए तो हमने कहा कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ आके गोली मार दें। मैं तुरंत सूचना देने के लिए, अब छोटा भाई मेरा जो रोडवेज दुकान पे बैठा हुआ था उसको सूचना देने के लिए मैं गया, लेकिन दुकान पे पहुंचते ही, क्या नाम है, मेरा दुकान के बाहर ही मुझे खून इतना ज़्यादा, मेरी बीपी बढ़ गई थी कि मुझे खून की उल्टियां होने लगी, जो वहाँ कस्बे के तमाम सैकड़ों लोगों ने देखा कि पूरी खून की मुझे उल्टी होने लगी। मैं परेशान हो गया कि मुझे ये उल्टी क्यों हो रही है। तुरंत मुझे लाया गया बांसी उपचार केंद्र, स्वास्थ्य उपचार केंद्र में लाया गया, सरकारी अस्पताल में, यहाँ से मुझे रेफ़र कर दिया गया। नौगढ़ हम गए, वहाँ से भी मुझे रेफ़र कर दिया गया गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए। वहाँ हम गए तो हमारे परिजन और हमारे मित्र जो भी थे, हमारे जो सहयोगी थे, उन्होंने मुझे सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया और सिटी हॉस्पिटल में मेरी दवा हुई। एक हफ्ते बाद हम जब स्वस्थ हुए, वहाँ से 5 दिन बाद निकले, एक हफ्ते बाद उसके बाद जब स्वस्थ हुए, स्वस्थ होने के बाद हमने बांसी कोतवाली में अपनी FIR से दर्ज कराया, जो FIR हमारी कल दर्ज हुई है। पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है? FIR पुलिस ने कल दर्ज की है, कह रही है कि हम दबिश दे रहे हैं, जल्द से जल्द सारे लोगों को गिरफ्तार करेंगे हम। आप क्या चाहते हैं? और मुझे सबसे ज़्यादा डर शुभम सिंह से है, क्योंकि गोली उसी ने चलाई थी। मौके पर मौजूद थे ध्रुव चंद जायसवाल और मोनू जायसवाल, उन लोगों के कहने पर ही शुभम सिंह ने, कहा नाम है, गोली मुझे तो उसी ने दागा था। मुझे सबसे ज़्यादा डर शुभम सिंह से लगा हुआ है इस समय। तो शुभम सिंह के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई करवाई? शुभम सिंह के खिलाफ हमने कार्रवाई करवाया था, अभी परसों हमने, कहा नाम है, लिखित हमने कोतवाली में दिए थे, परसों की नर्सों याद नहीं आ रहा परसों, क्योंकि इतनी दवा हम खाते हैं कि दवा की वजह से हम बोल नहीं पा रहे हैं, कि परसों या कल नर्सों हमने, कहा नाम है, शुभम सिंह हमारे घर के सामने खड़े थे और उन्होंने हमको, कहा नाम है, अपना बूसट उठा के असलहा दिखाया। मैंने तुरंत कोतवाली फ़ोन किए, कोतवाली से, कहा नाम है, SI अजय सिंह को पास मैंने फ़ोन किया, वो तुरंत 4 सिपाही लेके भेजे, मौके पे मोटरसाइकिल और, क्या नाम है, शुभम सिंह को गिरफ्तार किए और गिरफ्तार करने के बाद उनको लेके गए, चालान करके
तब तक हमारी FIR कह रहे थे नहीं लिखी गई है, चलान करके उनको भेजे, अब जेल भेजे कि जमानत हुई कि क्या हुआ इसके बारे में मुझे जानकारी